नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत कर लेते हैं बड़ी और अहम खबरों के साथ। अलग अलग हादसों में कुल 13 लोगों की मौत हुई है। सड़क हादसों का ये रविवार है और इटावा में बस और कार में भिड़ंत हुई है, 7 लोगों की मौत की जानकारी। फिरोजाबाद में 2 बाइक सवारों की मौत हुई है। अमरोहा की बात करें तो अमरोहा में स्कूटी सवार दंपति की मौत हुई है, यानी पति पत्नी की मौत हुई है। उन्नाव में 2 बाइक सवारों की मौत की जानकारी है। तो कुल मिलाकर 16 लोगों की मौत हुई है और हादसों का रविवार इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कई अलग अलग जगहों पर कई हादसे हुए हैं जिसमें कई लोगों की जान गई है, कई लोग घायल हैं। तो सड़क हादसों का रविवार है, आपको बताएं कि सड़क हादसों का रविवार। और अमरोहा की बात करें तो स्कूटी सवार दंपति की मौत, ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। इटावा, अमरोहा, उन्नाव जहां पर हादसा हुआ और भयावह टक्कर हुई है वाहनों के बीच में, जिस कारण वाहन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अमरोहा की जब आप तस्वीर देख रहे हैं तो उन्नाव में भी इसी तरीके से हादसा हुआ। हरिद्वार, फिरोजाबाद और बिजनौर में हादसा हुआ है। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं, अलग अलग हादसों के दौरान की तस्वीरें हैं और इसमें कई लोगों की जान गई है, कई लोग घायल हैं। घायलों को समुचित इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। कई मामलों का सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लिया है। वो समुचित इलाज के लिए संबंधित अधिकारियों से कहा गया है, चिकित्सकों से कहा गया है। तो अलग अलग हादसों में कई मौतें हुई हैं, कई लोग घायल हैं। सड़क हादसों का रविवार इसे कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। तो इटावा, अमरोहा, उन्नाव में हादसे हुए हैं अलग अलग जगहों पर। इसके अलावा हरिद्वार, फिरोजाबाद और बिजनौर में भी सड़क हादसे देखने को मिले हैं। लिहाजा एक बड़ा, तो ये 6 तस्वीरें हैं अलग अलग जगहों से, इटावा, हरिद्वार, अमरोहा, फिरोजाबाद और साथ ही साथ उन्नाव, फिर बिजनौर। और ये 6 अलग अलग तस्वीरें आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इन 6 जगह पर हादसे हुए हैं। कहीं वाहनों की टक्कर हुई है, कहीं पर चालकों की लापरवाही देखने को मिली है, तो कहीं पर मौतें हुई हैं, कहीं पर दंपत्ति के जान गई है, कहीं पर बाइक सवार लोगों की जान गई है, कई लोग घायल हुए हैं और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। रविवार का दिन सड़क हादसों का दिन रहा ये कहना गलत नहीं होगा। अलग अलग हादसों में कई लोगों की जाने गई हैं, कई लोग घायल हुए हैं। और जैसे ही हादसे की जानकारी मिलती है तो आसपास भीड़ इकट्ठा हो जाती है, फिर इसकी जानकारी पुलिस को त्वरित दी जाती है और तुरंत मौके पर पहुंचती है पुलिस, फिर मामले की तफ्तीश की जाती है। तो 6 तस्वीरें हैं, 6 अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों से आपको दिखा रहे हैं। इटावा, अमरोहा, उन्नाव, हरिद्वार, फिरोजाबाद और बिजनौर की तस्वीरें जहाँ पर अलग अलग हादसों की जानकारियाँ मिली हैं और उस दौरान से कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। बिजनौर की आप तस्वीर देख रहे हैं और फिरोजाबाद की आप तस्वीर देख रहे हैं। मौके पर पीसीआर की टीम पहुंची है, पुलिस कंट्रोल रूम की टीम पहुंची है, मौके का जायज़ा लिया गया है। हरिद्वार की आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहां पर भी इस हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। इटावा में दरअसल लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है जिसमें कई लोगों की जान गई है और 7 लोगों की जान गई है और कई लोग घायल हुए हैं। अमरोहा में भी और उन्नाव में भी बाइक सवार और दंपत्ति की जान गई है। तो ये जानकारी आप तक इन तस्वीरों के माध्यम से हम पहुंचा रहे हैं और बड़े ही दुखद ये हादसे हैं जिनका सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है और मौके पर अधिकारियों को जाने के निर्देश दिए गए हैं। तो अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उन्नाव का रुख कर लेते हैं। सत्यम मेरे सहयोगी यहाँ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यम, उन्नाव में जो ये हादसा हुआ और अभी फिलहाल क्या अपडेट है इस हादसे को लेकर, घायलों की क्या स्थिति है, कितने लोगों की जान इसमें गई है, कब का यह हादसा है? कहा कि एक रविवार अगर दुर्घटनाओं का दिन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बांगरमऊ एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जो दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र है, ये जो विधानसभा पूरी है इसमें लगातार पिछले महीनों से कई मौतें हुई हैं, लगभग आधा सैकड़ा पार हो रही हैं मौतें। लेकिन जो कल देर रात करीब 1 बजे हादसा हुआ है वो भी दिल दहलाने वाला है। इसमें 3 जो बाइक सवार हैं उनको पीछे से टक्कर मारी जाती है ट्रक द्वारा, जिसके बाद उसमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है जबकि 1 व्यक्ति उसमें से घायल है जिसका इलाज जारी है।
मौके पे पुलिस पहुंचती है और घायलों को, जो घायल होता है उसको इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जबकि जो जिनकी दो लोगों की मौत होती है उनके उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जी फिलहाल, क्योंकि देखिए हादसे हो रहे हैं, क्या वजह सामने आई है क्या कि कैसे ये हादसा हुआ, क्या चालक की गलती रही या कोई और वजह इसमें सामने आई है सत्यम? देखिए चालक की गलती तो साफ कही जाएगी क्योंकि एक बाइक पे तीन सवार कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन हो रहा है साफ तौर पे, लेकिन जो वहां पर मौजूद चौराहों को चाक चौराहे, जो बिल्लौर चौराहे पे घटना हुई है, जो गुट्टा चौराहा है वहां पे घटना हुई है, तो कुल मिला के देखा जाए चौराहों पे जो चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए, पुलिस की यातायात व्यवस्था होनी चाहिए, तो कुल मिला के सुचारू रूप से देखने को नहीं मिली, ताकि क्योंकि वो तीन व्यक्ति आखिर तीन लोग बैठ करके बाइक से वहां क्रॉस कैसे हुए, तो हादसे का कारण कहीं ये भी हो सकता है, लोगों की लापरवाही तो है ही, साथ में जो उन्नाव की लचर पुलिस व्यवस्था है, यातायात व्यवस्था है, वो भी कहीं ना कहीं इन घटनाओं का कारण मानी जा सकती है। ठीक है, हरिद्वार से मेरे सहयोगी धर्मेंद्र चौधरी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। धर्मेंद्र आपका रुख कर लेती हूँ, हरिद्वार में क्या अपडेट मिल रहा है, कैसे हादसा हुआ है, कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग घायल हैं, फिलहाल क्या ताजा अपडेट आपके पास? हाँ बिल्कुल, देखिए बीती रात करीब आधी रात की ये घटना है और एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार एक ओवर ब्रिज से रेलिंग तोड़ते हुए बहुत नीचे गंगा में जाकर गिरी है। गनीमत ये रही है कि चार लोग इसमें सवार थे और चारों गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन कोई कैजुअलिटी जनहानि यहाँ पर नहीं हुई है। चारों को वहां से रेस्क्यू करके एसडीआरएफ की टीम ने जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया जहां पर उनका इलाज चल रहा है। चारों मेरठ के रहने वाले हैं जो हरिद्वार आ रहे थे और तेज रफ्तार स्कॉर्पियो थी, क्योंकि वहां पर वो तिरछा पुल के नाम से मशहूर है, वहां पर बैंड है, उस पुल पर ज्यादा रफ्तार होने की वजह से गाड़ी ने रेलिंग तोड़ते हुए स्कॉर्पियो कार तेज काफी नीचे गहरी जाकर गंगा में वो गिरी है। तो अभी जो स्कॉर्पियो कार है वो गंगा में वहां पर पड़ी हुई है, लेकिन जो उसमें सवार थे चार लोग मेरठ के रहने वाले थे उन्हें वहां से रेस्क्यू करके जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चारों का वहां पर इलाज चल रहा है, कोई जनहानि नहीं हुई लेकिन एक्सीडेंट बहुत बड़ा था। लेकिन किसकी गलती की वजह से हुआ, क्या वजह रही, इस बारे में कोई जानकारी धर्मेंद्र? देखिए स्कॉर्पियो कार तेज रफ्तार थी, हालांकि गलती ही उन्हीं की लोगों की है जो चालक है गाड़ी चला रहा था, क्योंकि वो हरिद्वार में शहर सिटी के बीच में ये घटना घटी है और हालांकि फोर लेन पे थी, तेज रफ्तार थी स्कॉर्पियो कार, वहां पर मोड़ है, तेज रफ्तार होने की वजह से गाड़ी नहीं मुड़ पाई है और रेलिंग तोड़ते हुए बहुत नीचे गिरी है। गनीमत यही रहा है कि जो देखने वाले लोग हैं इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कैसे इन लोगों की जान बची है, क्योंकि अगर ऊपर से आप नीचे स्कॉर्पियो दिखाई दे तो स्कॉर्पियो भी बहुत छोटी दिखाई वहां पर दे रही है, बहुत ज्यादा गहराई है, गंगा में ये गिरी है और रेलिंग तोड़ते हुए गिरी है, लेकिन गनीमत यही रही कि चारों की फिलहाल जान बच गई है, गंभीर रूप से घायल जरूर है, जिनका जिला अस्पताल में इलाज कराया जाए। ठीक है, और भी मेरे सहयोगी लगातार बने हुए, बिजनौर का मैं रुख कर लेती हूँ। बिजनौर से मेरे सहयोगी मेरे साथ विजय कुमार जुड़े हुए हैं। विजय, बिजनौर में जो हादसा हुआ है फिलहाल क्या अपडेट है, किस समय का यह हादसा है, फिलहाल क्या लोग घायल हुए हैं, क्या लोगों की जान भी इस हादसे में गई है? रविवार को जो आज सुबह एक सवेरा जो घटना हुई, पांच दो बाइकों के आमने सामने की जबरदस्त टक्कर हुई है, उसमें भी तीन लोग घायल है। वैसा ही हादसा भी थोड़ी देर पहले जो है बिजनौर के थाना शेरकोट के मुंडा खेरी का रोड पर हुआ है, जहां बाइक सवार जो है सड़क को क्रॉस कर रहा था और एक डीसीएम चालक ने जो है उसको टक्कर मार दी और टक्कर मारकर जो है मौके से वो फरार हो जाता है। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने और पुलिस ने जो है घायल को जो है अस्पताल में भर्ती कराया है और घटना की वीडियो जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है, पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। जी ठीक है, इटावा से मेरे सहयोगी सौरभ मेरे साथ बने हुए हैं। सौरभ, इटावा में जो बड़ा हादसा हुआ है जिसका खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है, क्योंकि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ही हादसा हुआ है, फिलहाल घायलों की स्थिति क्या बनी हुई है, किसकी गलती के कारण यह हादसा हुआ, मृतकों की शिनाख्त हो पाई है क्या, क्या अपडेट क्या है आपके पास? मैं अस्पताल में मौजूद हूँ जहाँ पर घायलों का उपचार चल रहा है और उसमें से करीब 42 जो घायल हैं वो यहाँ अस्पताल में भर्ती है और 6 की मौत हो चुकी है। गलती की बात करें तो एक जो इको कार थी जो आगरा की तरफ से लखनऊ की ओर जा रही थी, जो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा के और हाईवे के उस पार पहुंच गई, जो डबल डेकर बस से टकरा गई, बस टकरा करके अनियंत्रित हुई और नीचे 20 फुट गहरी खाई में हाईवे से जाके नीचे जा गिरी, जिसमें करीब 42 लोग घायल हो गए हैं, करीब 50 से 60 यात्री सवार थे ये बताए जा रहे हैं। जी
ठीक है, लेकिन सौरभ, क्योंकि ये काफी बड़ा हादसा था जिसका खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया, उन्होंने समुचित इलाज के लिए निर्देश भी दिए हैं, क्या किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता का ऐलान भी सीएम के द्वारा या सरकार के द्वारा किया गया है मृतकों के परिवार वालों और घायलों के लिए? जी, अभी तो मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने अभी ये आदेश दिया है कि सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे और वहां जाके जायजा लें और जो घायल है उनका समुचित इलाज कराया जाए और जो जो लोग हैं उनकी पहचान की जाए। अभी हालांकि ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है मुआवजे या आर्थिक मदद की, लेकिन हाँ, हो सकता है कि इसमें बहुत ही जल्दी मुख्यमंत्री जी ऐसा कुछ आदेश कर सकते हैं। ठीक है, अमरोहा से मेरे सहयोगी अरुण चहल मेरे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अरुण, जरा बताइएगा, अमरोहा में हुए हादसे को लेकर क्या जानकारी आपके पास, कितने लोग घायल है, क्या मृतकों का आंकड़ा भी सामने आया है? अरुण, आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट कर लीजिए ताकि आपकी आवाज पहुंच पाए। बोलिए अरुण, क्या ताजा जानकारी आपके पास अमरोहा में हुए हादसे को लेकर, कितने लोग घायल हैं, क्या मृतकों का आंकड़ा भी सामने आया है? मुझे लगता है कि अरुण तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, मैं अपने सहयोगी के पास चली जाती हूँ, धर्मेंद्र का एक बार फिर से मैं रुक कर लेती हूँ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। धर्मेंद्र, क्योंकि सरकारें और प्रशासन लगातार लोगों से अपील करता है, वो आग्रह करता है, समय समय पर जागरूकता अभियान भी चलाते हैं कि आप संभल कर चलिए, हाईवे पर चल रहे हैं तो ज़्यादा तेज स्पीड नहीं होनी चाहिए, आप ये समझ कर चलिए कि आप सही चलेंगे तो सामने वाला भी सही चलेगा। ओवरलोडिंग को लेकर कहा जाता है, बाइक पर अगर आप सवारी कर रहे हैं या बाइक लेकर चल रहे हैं, दो पहिया वाहनों पर हेलमेट लगाकर चलिए, अगर गाड़ी के साथ चल रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा लीजिए या फिर स्पीड कम रखिए, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के आए दिन हादसे हो रहे हैं, लिहाजा वजह क्या है, क्या लोगों में जागरूकता की कमी है इसकी वजह? देखिए, जो यातायात नियम है लोग उनका पालन नहीं कर रहे हैं और यही वजह है कि लगातार जो हाईवे है वहां पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, सड़क हादसों में लगातार मौतें हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि एक दिन पहले ही हरिद्वार में कांवड़ यात्रा खत्म हुई है जिसमें करीब 4.25 करोड़ यहां पर से भक्तों का आंकड़ा प्रशासन ने दिया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक दिन पहले ये घटना हुई होती तो उसकी जगह जहाँ पर ये हादसा हुआ है, स्टैचू जहाँ गिरी है वहां पर लाखों की संख्या में खचाखच भरे हुए से भक्त कांवड़ियों की भीड़ वहां पर होती, अगर ऐसे में दुर्घटना होती तो कितनी जन हानि जान माल का नुकसान हो सकता था इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। तो लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है, अपनी जान के साथ साथ लोग औरों की भी जान इसमें ले रहे हैं, यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ये हरिद्वार में जो हादसा हुआ है आधी रात के करीब हादसा हुआ है, इसका तो 4 लोग सवार थे, तेज रफ्तार कार थी और तेज रफ्तार कार ने एक भारी लोहे की रेलिंग तोड़ते हुए वो नीचे जाकर गिरी है। तो गनीमत यह है कि जान बच गई है, सब लोगों की इलाज चल रहा है, लेकिन लोग अपनी जान की परवाह ना करते हुए औरों की जान की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। तो लोगों को चाहिए कि कम से कम यातायात नियमों का पालन करें, जो रफ्तार है हाईवे पर चलने की सड़कों पर बताई गई है तो उसी रफ्तार से चलें तो आप भी सुरक्षित रह सकते हैं, औरों को भी सुरक्षित आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं सौरभ का एक बार फिर से रुख कर लेती हूँ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं मेरे साथ इटावा से। सौरभ, मैंने आपका रुख अभी इसीलिए किया है क्योंकि इटावा में आज का सबसे बड़ा हादसा हुआ है यूपी में, अगर हम देखें तो हादसों की हम बात कर रहे हैं, इसकी वजहों की बात कर रहे हैं, क्या यहाँ पर लोगों के बीच में जागरूकता का अभाव है, क्योंकि लगातार यातायात नियमों का पालन करने के लिए कहा जाता है, क्या लोग नियमों के लिए इतने जागरूक नहीं हुए हैं, नियमों की पालना के लिए इतने लोग जागरूक नहीं हुए हैं और यही वजह है कि बार बार इस तरह के आए दिन हादसे हो रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एक्सप्रेस वे पर ओवर स्पीडिंग की वजह से ही ज्यादातर हादसे देखने को मिलते हैं। ये भी हादसा जो है ना रात की वजह से हुआ है, क्योंकि रात में लोग ओवर जो कार है वो ओवर स्पीड थी और अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा के उस पार चली गई, क्योंकि तेज रफ्तार थी इसलिए डिवाइडर को पार कर गई और जाके बस में जा टकराई, तो कहीं ना कहीं ओवर स्पीडिंग का ही मामला संज्ञान में आया है बताया जा रहा है। ठीक है, अमरोहा का एक बार फिर से मैं रुक कर लेती हूँ, मेरे सहयोगी अरुण मां से बने हुए हैं। अरुण, आवाज मिल रही है क्या अब आप तक? अरुण, आवाज आ रही है आप तक?
मुझे लगता है शायद आपने अपने आपको फिर से म्यूट कर लिया है अरुण, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए ताकि आवाज और अपडेट हम पहुंचा सके अपने दर्शकों तक। मुझे लगता है शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट है, तकनीकी खामी के कारण उन तक आवाज़ नहीं मिल रही है या उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है, उसको हम दुरुस्त करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है विजय का एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। विजय मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं बिजनौर से मेरे साथ लाइव। विजय यहाँ पर क्योंकि यहाँ की वजह क्या मानी जा सकती है, क्या क्योंकि बिजनौर हो, इटावा हो, चाहे उन्नाव हो, अमरोहा हो, हरिद्वार हो, जहाँ पर भी हादसे हुए हैं आज के हम जिक्र कर रहे हैं, हर जगह पर यातायात के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है, नियमों के पालना के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है, पुलिस प्रशासन हो या फिर यातायात पुलिस हो सख्त रवैये के साथ लोगों को जागरूक करती है, अभियान भी चलाए जाते हैं, फिर क्या वजह है कि आए दिन इस तरह के हादसे हो रहे हैं यहाँ पर? विजय आपने आपको म्यूट अनम्यूट कीजिए। विजय आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। आप अनम्यूट कीजिए विजय अपने आप को। सत्यम मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं उन्नाव से। सत्यम क्योंकि यहाँ पर भी बड़ा हादसा हुआ है, हालांकि आपने बताया था कि किसी प्रकार के बड़े जानमाल का नुकसान नहीं हुआ यहाँ पर, लेकिन फिर भी लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। आए दिन हादसे हो रहे हैं लेकिन हादसों से भी लोग सबक नहीं ले रहे हैं। ओवर स्पीडिंग इसकी बड़ी वजह है, नियमों का पालन ना करना इसकी बड़ी वजह है। सरकारें और प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक करता है लेकिन उसके बावजूद भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। देखिए सरकारें और प्रशासन का जो काम है वो तो हो रहा है, लेकिन वो काम कागजों पे हो रहा है, धरातली जो हकीकत है वो कुछ और बयां करती है। यातायात माह चलाया जाता है, यातायात अभियान चलाया जाता है, जागरूकता अभियान चलाया जाता है, लेकिन उसका जो असर है वो जमीनों जमीनी हकीकत से परे है, वो धरातल पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। कुल मिला के जो इन लोगों को जो कागजी कार्रवाई जो कर रहे हैं प्रशासन, उनको निकल करके रोड पे आना चाहिए, रोड पे जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। लगातार इंडिया न्यूज उन्नाव में हो रही ओवरलोडिंग के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा, लगातार खबरें चला रहा, लेकिन जिला प्रशासन जागरूक नहीं हो रहा, जाग नहीं रहा है। लगातार ओवरलोड वाहनों की कतार लगातार दुर्घटनाएं हो रही। अभी हाल ही में उन्नाव के एक्सप्रेस वे में बांगनमऊ में करीब 18 लोगों की मौत हुई, पूरे देश ने जाना, राष्ट्रपति ने, मोदी जी ने और योगी जी ने, सभी ने ट्वीट किया, सभी ने उसमें दुख व्यक्त किया, लेकिन क्या उसके बाद से प्रशासन जागरूक हुआ? कुछ नहीं। लगातार सड़कों पे जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, लगातार हर तरीके से लोगों को अवेयर किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ कागजों पे हो रहा है। लोग जो पुलिस प्रशासन है, यातायात विभाग है, वो सड़कों पे अगर उतरे, लोगों को जागरूक करे, हेलमेट के लिए लोगों को रोके, ट्रिपलिंग के लिए रोके, ओवरलोडिंग के लिए रोके, तमाम ऐसे तरीके जो यहाँ पर अवैध तरीके से किए जा रहे हैं उस पर अगर रोकथाम की जाए तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के हादसे जरूर रोके जा सकते हैं। लेकिन जो अभियान है वो सिर्फ दुख की बात है, सिर्फ कागजों पे है और इस पर जो है जिला प्रशासन तो ध्यान दे ही नहीं रहा है, बाकी शासन स्तर पे भी इस पे कहीं द्वारा मदद दी जा रही है क्या घायल हुए लोगों को या उनके इलाज में? बिल्कुल, जब देखिए जब हादसा हो जाता है तब तो अधिकारी की मजबूरी होती है, प्रशासन की मजबूरी होती है उनको ले जाकर के उनको राहत देना, उनको रेस्क्यू करना, उनको उनका पोस्टमार्टम कराना, लेकिन पहले क्या कर रहा है प्रशासन उस पर थोड़ा विचार करना चाहिए, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जी ठीक है। धर्मेंद्र का मैं एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। धर्मेंद्र, हरिद्वार में जो हादसा हुआ है फिलहाल इसको लेकर क्या किसी प्रकार की कोई मदद दी जा रही है क्या अधिकारियों के द्वारा ताकि बेहतर इलाज हो पाए? देखिए जब ये देर रात घटना हुई है तो जैसी सूचना मिली थी तो SDRF की पुलिस की टीम वहां पर पहुंच गई थी और ये शहर नगर कोतवाली क्षेत्र का मामला है। तो अब इन जो चार लोग हैं, मेरठ के चारों व्यक्ति हैं जो इस हादसे में घायल हुए हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, चोट लगी है, लेकिन जिला अस्पताल यहाँ पर जो बड़ा हॉस्पिटल है वहां पर इन्हें पहुंचाया गया है, सभी का वहां पर इलाज चल रहा है। और गनीमत यही है, हर आदमी इसी बात को बोल रहा है कि बहुत यहाँ पर हुआ है, स्कॉर्पियो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, बहुत ऊंचाई से स्कॉर्पियो गिरते हुए रेलिंग तोड़ते हुए गंगा में गिरी है, उसके बावजूद भी इन चारों लोगों को बचा लिया गया है।
फिलहाल इनका इलाज चल रहा है, चार लोग अस्पताल में भर्ती हैं और जो गाड़ी है उसकी स्थिति इतनी खराब है, इतनी वो क्षतिग्रस्त हो गई है कि देखने वाले अचंभित इसी बात के लिए हैं कि किस तरह से इन लोगों की ये जान बची है। तो बड़ा हादसा हुआ है, तो अब ये है कि लोग सुरक्षित चलें और कम रफ्तार चलें, अपने नियमों का पालन करें तो खुद भी आदमी सुरक्षित रह सकता है और औरों की भी जान बचा सकता है। ठीक है, इटावा का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं इटावा से। सौरभ, क्योंकि लोगों को जागरूक भी किया जाता है, फिलहाल जो समुचित इलाज की बात योगी आदित्यनाथ ने की थी, क्या अधिकारी उस पर अमल करते नजर आ रहे हैं? क्या वाकई में इलाज समुचित तौर पर और प्राथमिकता के आधार पर मिल रहा है वहां पर मौजूद घायलों को? तो देखिए, हादसों का ये रविवार है और ऐसे में कई लोगों की जान अलग अलग शहरों में गई है। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी जहां पर अलग अलग